मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7. सो लास्ट क्लास में हमने 4.5 एक्सरसाइज देखी थी, जिसमें हमने 1-2 क्वेश्चन देखा था. 3 और 4 मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा 3 भी बताया था सिंप्लीफाई करना, लेकिन आज उसको थोड़ा सा एक करेक्ट वे में लेते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तो अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझ में आए तो आप इस तरह से देख सकते हैं. मैं इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ. देखिए, यहाँ पर है -1/9 × 4/9 − 9 × 81 − 64 × 2. तो मैंने आपको कहा था कि या तो इसको क्या करिए, एक लाइन में लिख लीजिए सीक्वेंस में, या फिर अगर यहाँ से देखिए कट होता तो आप इसको कट करिए. देखिए 9 × 9 = 91. ठीक है, अब देखिए इस 9 से ये 9 कट गया, माइनस नहीं कटा है, सिर्फ 9 कट हुआ है. 4 से ये कट हो जाएगा, अभी इसका माइनस नहीं कट हुआ है. फिर 2 से ये कट हो जाएगा 8, अभी इसका माइनस चल रहा है. ठीक है, तो ऊपर बचा क्या, −1/, और देखिए यहाँ भी माइनस है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा. तो −1/8. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ये है. इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 9 से ये 9 भी कट जाएगा. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए यहाँ −9 बचा ऊपर, और यहाँ पर नीचे −9 − 9 कट गया, −8 बचा है, तो 1/−8 है. इसको देखिए, ये एक और तरीका, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अगर आपको कट नहीं करना तो सबसे पहले क्या, क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन है, सबको एक साथ आप लिख लीजिए. एक साथ लिखने के बाद या तो आप पूरे का मल्टीप्लाई करिए फिर डिवाइड करिए, ये जो चीज़ें कट हो रही हैं सिंपलेस्ट वो कट करते चली जाइए. ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इवेलुएट करना है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 4 क्वेश्चन है. ठीक है, तो −1 − 2/5 का और −1 है, तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे −2/5 का, तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा, −1 है. और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. सॉल्व हो गया ये आंसर. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए इवेलुएशन है, 4/−9 है. तो 4/−9 को जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा. इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा. −1 है, जब −1 ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा. ठीक है, फिर आप देखिए ये 16/18 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, 16/18 दिया हुआ. आप इसको यहीं पर कट कर लीजिए. जब सिंपल फॉर्म में आप इसको ले आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8/9 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो जब 8/9 आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये फिर आ जाएगा यहाँ पर −1. तो 8/9 हुआ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/8. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, −9. अब सबको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी चीज़ें दी हुई हैं. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 700 729/32. तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ध्यान से देख करके कि पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे और −1 बाहर दिया है, तो जब उसका ब्रैकेट हटेगा और वो −1 आएगा तो वो माइनस वहाँ पर अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं. और ये ईजिएस्ट चैप्टर है, आप इसको देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मुझसे पूछेंगे और मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगी.